विजय मलाड को ये क्यों बोला, वो क्यों बोला? अबे दूध पीछे दो साल के बच्चे जब छे छोटी बच्ची हो क्या जो पीछे में लाइट खेलते हो? बोलो छोटी बच्ची हो क्या जो बीजी वाला लाइट खेलना चाहते हो? बोलो भाई, अब बताओ क्या हाल है। मतलब मैं जो भाई बोलता हूँ ना, हम लोग अगर एक ट्वीट करवाएंगे मिलके तो भाई 2000 ट्वीट करेंगे और क्या बोलेंगे बंदे हम लोग को, हमारी पबजी वाली लाइट के अपने कम्युनिटी के बंदे क्या बोलते हैं पता? भाई बीजीएमआई लाइट करके ये लोग व्यूज ले रहे हैं और उधर जाते हैं भाई डायनेमो से मतलब मांगने कि भाई बीजीएमआई लाइट दे दो, स्पैम करते वहाँ मिला है भाई ऐसे ही। तो भाई जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, कम से कम वहाँ मत जाया करो भाई, मैं बता रहा हूँ। आगे देखो, घमंड तो बहुत है। देख भाई घमंड तो बहुत है, सिंपल सी बात है, बहुत घमंड है भाई, उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है मेरा। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब अच्छा बोलो तो कुछ नहीं बोल सकते तुम लोग, और जब उसको अब हल्का सा अगर मैंने ट्विस्ट एंड टर्न वाला आंसर दिया दे दिया ना तो अरे घमंड आ गया, अरे ये आ गया। ठीक है भाई, घमंड है भाई, 10 साल घसा है हमने यहाँ पे आने के लिए, घमंड है, सिंपल। और बताओ। तो भाई सबसे पहले हम लोग विनर पास दे देते हैं, देखते हैं यहाँ पर। देखो गाइस फर्स्ट कमेंट ये है, मैं यहाँ पर वीडियो टैग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने चीटिंग किया। मैं कोई भी चीटिंग नहीं करता हूँ इसमें, ठीक है। वीडियो टैग देख लो, ये आज सुबह वाली वीडियो में इसने फर्स्ट कमेंट किया तो इसको मिलेगा फ्री में विनर पास आज शाम तक, ठीक है। तो गाइस अब हम देखो गाइस, अगर पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि यार हर मतलब कि होते ही रहता है, कभी कभी गिव अवे होता है, 2-4 दिन में गिव अवे, फ्री में विनर पास, फ्री में गन का स्किन, बहुत सारा मैं देता ही रहता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं इतना बस बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भाई जितने भी हो ना PUBG मोबाइल लाइट कम्युनिटी के जितने भी बचे हैं भाई हमारे लोग, बाकी तो इधर उधर चले गए बहुत सारे लोग, बट यार PUBG मोबाइल लाइट कम्युनिटी के जितने खेलने वाले बंदे हैं, ऑडियंस हैं भाई, सभी लोग यूट्यूबरों को सपोर्ट क्या करो अपने कम्युनिटी के, ठीक है। अपने कम्युनिटी में हेट मत फैलाओ यार, देख रहे हो उधर कितने अच्छी तरीके से अपने कम्युनिटी में सपोर्ट बना के हम लोग को किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, भाई थोड़ा तो समझा करो यार अपने घर। यार क्या बताऊँ अब कुछ मन ही नहीं कर रहा बताने का। तो भाई मैं फाइनली ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जो सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम भाई डेल्टा भाई ये तो बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, ये तो बता रहे हैं, उनको सपोर्ट क्या करो, उनको दिखाया करो भाई, हमको ऐसा हेल्प करो भाई, ऐसा तो कुछ होगा। अब देखो यार आप लोग देखो, ठीक है, मैंने देखो यार बीजेम लाइट स्पैम करके कोई फायदा नहीं है गाइस। पहले मैं इस चीज पे आपको 1000 बार बोल चुका हूँ और ये मैं आपको 1001 बार और बोल रहा हूँ कि बीजेएमआई लाइट पे अभी के लिए फिलहाल काम अगर चल भी रहा होगा तो उसकी कोई न्यूज़ नहीं है, हमें पता ही नहीं कि कुछ काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है या आने वाला है या नहीं आने वाला है। क्या होता है जब आप एक चीज़ एक बार 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 एक ही चीज़ अगर आप पूछते हो ना तो इंसान एक बार रिप्लाई करता है, दो बार रिप्लाई करता है, फिर 3 बार बोलता है हाँ ऐसा है, फिर 4 बार अरे हाँ ऐसा है, फिर 5 बार अरे हाँ ऐसा है, लेकिन 6वीं बार पे ना उसका दिमाग घूम जाता है, फिर वो कुछ ना कुछ बोल ही देता है। फिर बाद में बच्चे आते हैं बोलते विजय मलाड को ऐसे कैसे बोला, विजय मलाड को वैसे कैसे बोला, विजय मलाड को ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। अबे दूध पीछे 2 साल के बच्चे जब 6 बार जब सही तरीके से बोला कि नहीं पता नहीं पता तो नहीं पता भाई, जब पता होगा तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई इस तारीख को आने वाला है, सिंपल। इसलिए कहता हूं यार जब घर में दूध का ग्लास मिलता है तो 2 चम्मच बोनविटा डाल देना चाहिए उसमें, अकल के लिए। क्या अक्कल के आने के लिए शक्कल के बिगड़ने का इंतजार क्यों करते थे तुम? क्यों कर रहे थे भाई? भाई मैं एक चीज़ बताऊं, डायनेमो भाई भी परेशान है क्योंकि यार ये पहले ही बता दिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ पता नहीं है, और इनसे हमारे जो है कम्युनिटी के बंदे पूछते ही रहते हैं बार बार। तो गाइज मैं बता दूं, उनको नहीं पता है तो उनको मत परेशान किया करो यार, ठीक है। वो अगर हेल्प करना चाहते तो आज से कर देते, और अगर वो हेल्प करना चाहते पर्सनली तो भाई हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करते और बोलते कि हम लोग बात करके देखेंगे, अगर उनका कॉन्टैक्ट होगा तो, ठीक है। मुझे लगता है उनका कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे, या फिर कुछ अलग सीन हो सकता है जो वो नहीं करना चाहते या फिर नहीं करते हैं, तो हो सकता है वो इसीलिए बोल देते हैं कि नहीं हो सकता, अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, तो आएगा तो हम लोग को भी पता चल जाएगा, तो आपसे पूछने का कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनका बोल रहे हैं वो जैसे घमंड है भाई, घमंड तो रहेगा यार पर्सनली मैं बता दूं, क्योंकि यार बहुत मेहनत किया एक टाइम पे बंदा, बट यार वो भी कुछ गलत ही बोल रहा है, तो छोड़ो हटाओ। बस मैं आप सभी को पहले यार अपना देखना चाहिए, ठीक है, पहले अपना देखना चाहिए, हमारी कम्युनिटी के बंदे कैसे हैं क्या कर रहे हैं ये पहले देखो। हमारी कम्युनिटी के बंदों का हाल ये है कि भाई वो अपने को सपोर्ट नहीं करते। PUBG मोबाइल लाइट के अगर क्रिएटर कोई आ गया और वो बना रहा है वीडियो और बता रहा है कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, हम लोग ट्वीट करेंगे 2000 मतलब कि वहां पर ट्वीट करेंगे, ट्विटर पे जाके ट्वीट कर देना, पता है उसके वीडियोस में व्यूज मान के चलो 20,000 आते हैं और जाके ट्वीट कितने होते हैं पता है 2000। तो गाइस ये सपोर्ट है हमारा PUBG मोबाइल लाइट कम्युनिटी का, और बोलते हैं हमारा बहुत बड़ा कम्युनिटी है, एक बार PUBG मोबाइल लाइट आ जाएगा तो फाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे,
भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, सपोर्ट चाहिए सपोर्ट। तो गाइज जो भी यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं ना भाई, सभी यूट्यूबर एक साथ मिलके स्पैम स्पैम नहीं मान के चलो, ट्वीट करो ऑफिशियल लोगों को मिलके, या फिर हो सकता है उनसे बात करो, अगर हो सकता है तो पर्सनली उनसे कॉन्टैक्ट करके सभी लोगों, और दिखाओ उनको ऑडियंस दिखाओ। देखो भाई बीजीएमआई लाइट यानी कि पबजी मोबाइल लाइट का इतना सारा ऑडियंस है, इतना सारा ऑडियंस है गाइज, इसको जो है क्राफ्टन जो है देखेगा तो वो जरूर कुछ फैसला लेगा कि हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है, और यही डेल्टा भाई ने भी बोला है और यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग बस इंतजार करो और अपने लोगों को सपोर्ट करो, दूसरे तरफ मत जाया करो, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। बस इस वीडियो में बहुत बुरा लग रहा है, पर चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।